तो हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो लैपटॉप में यूज होते हैं और ये बिल्कुल ही फ्री होते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको कोई वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने 3 स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लिए हैं जो आपको जरूरी यूज करने चाहिए, एकदम फ्री होते हैं। इसकी मदद से आप फुल HD से 4K में वीडियो क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन स्क्रीन रिकॉर्डर को चलाने के लिए। साथ ही कितने लोगों ने पूछा था कि आप कैसे दिखते हैं, तो जी मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा पहला फेस कैम वीडियो है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन को। गाइस, जो मैंने तीसरे नंबर पे स्क्रीन रिकॉर्डर रखा है उसका नाम आप तो जरूरी सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है OBS स्टूडियो। इसे यूज कैसे करना है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं OBS स्टूडियो को ओपन करूँगा तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख के थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ नीचे की तरफ स्टार्ट स्ट्रीमिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखता है। आपको डायरेक्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जनरल, स्ट्रीम, आउटपुट, ऑडियो, वीडियो। चलते हैं हम आउटपुट में। आउटपुट के बाद आपको देखना है, आउटपुट के अंदर इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको वीडियो वाइब्रेट, इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है। फिर इनकोडर को भी वैसे ही छोड़ देना है। अब मेन बात पे आते हैं, रिकॉर्डिंग पाथ। ये पाथ वो होता है कि जैसे कि आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव करेंगे वो कहाँ सेव होगी, तो आप इसे बदल भी सकते हैं या ब्राउज भी कर सकते हैं। यहाँ ब्राउज करेंगे तो यहाँ से आप अपना मनचाहा पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्वालिटी आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं या इसे बदल सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग फॉर्मेट पर आते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट MKB रहता है, लेकिन हम इसे MP4 चेंज कर लेंगे अपने लिए। फिर उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हो जाएगा अप्लाई। उसके बाद ऑडियो पर आते हैं, क्योंकि हमें अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी रहती है। तो आप ऐसा देख लीजिए, ऑप्शन आप में होना चाहिए, माइक ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। देख लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ अप्लाई करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन स्टार्ट रिकॉर्डिंग का मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं कुछ आपको रिकॉर्ड करके बताता हूँ, जैसे मैं सेटिंग में जाता हूँ तो गाइस देख सकते हैं। अब मैं यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा, रिकॉर्डिंग हो गई स्टॉप। गाइस, जो हमारा दूसरे नंबर पे स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने रखा है वो आपके सिस्टम में ही पहले से इंस्टॉल मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो आपको विंडोज़ में जाना है, फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको गेमिंग सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप गेम बार वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफ रहेगा आपके सिस्टम में, रिकॉर्ड गेम क्लिप्स ऑन कर दीजिएगा, ये हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, बस आपको थोड़ी देर रुकना होगा। ये हो गया ऑन। अब इसे कैसे चालू करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ प्लस जी यानी विंडोज़ की बटन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और जी एक साथ दबाना है। उसके बाद देखिए गाइस, आपका ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको ये वाला जो ऑप्शन है गोल वाला, इस पर क्लिक करना होगा। देखिए गाइज, यहाँ पे हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और इसमें आवाज़ भी आपकी आएगी। फिर यहाँ पे ये जो स्टॉप रिकॉर्डिंग है तो यहाँ से आप रोक सकते हैं। माइक टर्न ऑफ भी करेंगे तो टर्न ऑफ भी हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर सब में आप अपनी आवाज़ भी एक साथ डाल सकते हैं और कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करिए, देखिए ये हो गई रिकॉर्डिंग सेव। देख सकते हैं गाइस, ये हो गई रिकॉर्डिंग से। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था। देखिए गाइस, ये रिकॉर्डिंग हो गई सेव। तो चलते हैं अपने पहले नंबर स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ, आखिर उसमें क्या खासियत है कि मैंने उसे पहले
नंबर पे। गाइस हमारा पहले नंबर पे स्क्रीन रिकॉर्डर है फ्री कैम 8। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ गेमिंग भी रिकॉर्ड करने के लिए, जब मैं गेम खेलता हूँ या कुछ भी। तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है, इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है। अगर जैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर आ गया है, तो इससे आपको डरना नहीं है। यहाँ पे कैप्चर साइज पे क्लिक करना है, उसके बाद फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। जैसा आपका स्क्रीन का रेशियो होगा, साइज होगा यानी पिक्सल होगा, वैसी क्वालिटी की आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन सारे स्क्रीन रिकॉर्डरों में मिलेगी। 4K स्क्रीन तो आपकी 4K रिकॉर्डिंग, 2K स्क्रीन तो 2K, Full HD तो Full HD। उसके बाद सिंपली अगर आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, चालू करना चाहते हैं तो चालू कर सकते हैं। सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। देखिए चालू हो गई। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और ये है इस पे आपको राइट क्लिक करके डन कर दीजिए। जैसे डन करेंगे आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव एज वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगी। अब जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट WMV भी रहता है, WMV। तो आप फॉर्मेट चेंज करने वाले कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वीडियो एडिटर यूज करेंगे तो उसमें MP4 का ऑप्शन आएगा, आप MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही था इस वीडियो में, सारे स्क्रीन रिकॉर्डरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी आसानी से विजिट करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही विंडोज़ और एंड्रॉयड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ।